फ्रेंड में हूँ अश्विनी, अश्विनी मेजवानी में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट आम का अचार। अचार का नाम मुंह में आते ही मुंह में पानी आ जाता है, तो आम का अचार सबके घरों में मिलता है, पर बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से और एक दो साल खराब नहीं होने वाला, कम इंग्रेडिएंट में और बहुत फटाफट बनने वाला ये आम का अचार हम आज बनाएंगे। तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। आम का अचार बनाने के लिए यहाँ मैंने कच्चे आम लिए थे, इस तरह के ये छोटे छोटे आम हैं। ये हमने अच्छे से पानी में रखा था 3-4 घंटे। अभी इसका ये जो सामने का ब्लैक पोर्शन है, इसका डंठल है, वो हम निकाल देंगे इस तरह से और अच्छे से साफ करके हम इसे छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर देंगे। मैं इसे मार्केट से कट करके लेके आऊँगी, मेरे पास इतना शार्प वाला चाकू नहीं है, नाइफ नहीं है कि मैं इसे कट कर दूँ घर में। तो इसे कट करके लेके आएंगे और फिर साफ करके अच्छे से इसे सुखा के, इसके पीसेस को सुखा के फिर हम अचार बनाएंगे। तो मैं इसे 1 kg मैंगो है तो मैं इसे कट करके लेके आती हूँ। तो देखो इस तरह से मैंने ये आम के पीसेस करके लिए है। इसे मैंने अच्छे से साफ करके इसे फैन के नीचे 3-4 घंटे सुखाया है। आप इसे 2-3 घंटे धूप में भी सुखा सकते हो, मैंने इसे फैन के नीचे सुखाया है। तो हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, तो अभी हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने नमक लिया है, इसमें नमक डालेंगे, नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो मैं स्पून से मैंने 6 स्पून नमक लिया है। इसमें ऐड करेंगे सरसों की दाल, ये मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है बनी बनाई। आपके पास अगर सरसों है तो आप इसे मिक्सी जार में डाल के पल्स मोड पे चला के बना सकते हो। तो ये इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। रेडीमेड जो मसाला आता है मार्केट में अचार का, वो ऐड करने से, रेड चिल्ली पाउडर में ही ऐड करने से भी चलेगा, पर अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रेड कलर और एक्स्ट्रा थोड़ा तीखा चाहिए अचार तो आप इसे ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ 100 ml इतना सरसों का ऑयल गरम कर दिया है, तो हम इसमें ऐड करेंगे, ये गरम करके ठंडा कर दिया है, इसमें मैं ऐड कर दूँगी जो मार्केट में अचार मसाला मिलता है वो। तो हम इसमें 1 kg के लिए 1 पैकेट मिलता है, 100 ग्राम का 1 kg के लिए पैकेट आता है, वो ऐड कर देंगे। आप अगर एक्स्ट्रा घर के जो मसाले हैं वो अगर ऐड कर रहे तो आप जो मार्केट का मसाला है वो कम ऐड करने से भी चलेगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये जो मैंगो के पीसेस हैं जिसे हमने मसाला लगाया उसे हम एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। तो इस तरह का मेरे पास एक कांच का जार है, इस जार में डाल देंगी मसाला लगा के जो आम के पीसेस रखे वो। तो मैं इसे इसमें ऐड कर देती हूँ इस तरह से अच्छे से। अगर आप मसाले ऐड करोगे और इसे डेली अच्छे से मिक्स करोगे 8-10 दिन के लिए तो ये अचार आपका बहुत दिन खराब नहीं होगा, 1-2 साल तो बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। इस तरह से मैंने इसे इसमें ये पूरा अचार के पीसेस भर दिए हैं, डाल दिए हैं। अभी ये जो ऑयल हमने गरम कर दिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये इस तरह से डालने से पूरे पीसेस में पूरे अचार में मिक्स हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। तो इस तरह से मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, पर ऑयल को हमें ठंडा करके लेना है, गर्म ऑयल नहीं डालना है। और इसे 8-10 दिन डेली इसे अच्छे से 1 स्पून से मिक्स करना है पूरे पीसेस को। या तो आप ये दोबारा कंटेनर से निकाल के आप एक बाउल में डाल के अच्छे से मिक्स करके दोबारा उसमें फिल कर सकते हो। और ये 8-10 दिन में अच्छे से हमारा ये अचार खाने के लिए रेडी हो जाएगा। इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो मैंने सब ऑयल इसमें ऐड कर दिया है,
अभी एक बार मैं इसे इस तरह से जार को पकड़ के इस तरह से हिला देती हूँ। मैंगो के पीसेस में ऑयल नहीं लगा होगा, सब में लग जाएगा। तो इस तरह से इसका लिड लगा के हम रख देंगे इस तरह से। देखो बहुत अच्छा, और कलर भी देखो मार्केट जैसे बन जाता है ये हमारा घर में ही अच्छा। तो इसे 8-10 दिन हम इसे डेली मिक्स करते रहेंगे स्पून से। हम इसे 8-10 दिन के बाद डेली में इसे एक बार तो कम से कम मिक्स कर दूंगी। तो ये हमारा अचार ख़राब नहीं होगा, अच्छे से एक जैसे पूरे पीसेस में मसाले मिक्स हो जाएंगे। एक हफ्ता हो गया, 1 वीक हो गया हमारा अचार हमने बनाया था। तो अभी हम खोल के देखते हैं। मैंने इसे डेली अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो देखो हमारा अचार अच्छे से अभी खाने के लिए अभी हम इसे खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बना है, देख के मुंह में पानी आ जाता है। हम इसे एक कटोरी में निकाल के देखते हैं। तो देखो इस तरह से ही हमारा अचार खाने के लिए रेडी है, अभी हम इसे खा सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा कलर भी आया है, और देख के ही इससे अचार को देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो बहुत अच्छा और टेस्टी अचार बना है हमारा। जैसे मार्केट में रेड कलर भी इस तरह का मिल जाता है, उस तरह के हमारे अचार में कलर। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप भी ये टेस्टी स्वादिष्ट और चटपटा सा आम का अचार ज़रूर ट्राई करना। बहुत इजी और सिंपल तरीके से बन जाता है। ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। बहुत इजी और सिंपल तरीके से 1-2 साल चलने वाला ये हमारा आम का अचार। इस तरह से ये सिंपल मेथड यूज करके ये अचार आप ज़रूर ट्राई करना। हम फिर मिलेंगे नई सिंपल टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।